वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। ठीक है, एंशियंट ग्रीक इंडियन फिलोसोफर जो थे और ग्रीक फिलोसोफर दोनों ने हमेशा से ही मैटर के बारे में जानना चाहा, पदार्थ के बारे में। हमने पिछले पार्ट में पदार्थ पढ़ा था, तो हमेशा से पदार्थ के बारे में जानना चाहते थे। तो इन्होंने हमेशा, ये हमारे इंडियन, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनन पोस्टुलेटेड दैट इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर पदार्थ वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा था ये पदार्थ के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास इंडियन फिलोसोफर एक और थे, स्टेज कम ही नेम दिस, पहले महर्षि कनंद ने इनको परमाणु कहा था। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर आए पकुदा कत्यामा, इन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन में यही कहा था ये नॉर्मल पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनको परमाणु कहते हैं, ये एक वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनसे मेरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे डेमोक्रेटस एंड लियोसिपस, इन्होंने भी कहा कि हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो हम एक कम आएगा ऑप्टेन करेंगे, जिसमें हम मीनिंग पार्टिकल एटम्स मीनिंग इनडिविजिबल, हमें डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि हम इनडिविजिबल मैटर मिलेगा जिसको हम एटम कहेंगे, फिलोसोफर ने इन्हें कहा था। 18th सेंचुरी में एंड तक, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकग्नाइज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कम्बाइन एंड वट हैपन्स वेन। तो 18th सेंचुरी के एंड में ये इनको पता लग गया था कि एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं और वो सारे डिफरेंट होते हैं, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आ जाता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास लेवेसियर ने दिया था केमिकल कॉम्बिनेशन का, इसमें हमारे पास दो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास में ये आता है लॉ में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट्स दैट मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना बना सकते हैं, जो मास होता है वो स्थिर रहता है। और जो दूसरा आता है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का होता है, लेवेसियर ने ये दिया था। कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास H2O है, वाटर है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 1:8 रेशियो है सोर्स ऑफ वाटर में, दैट इज हाइड्रोजन का मास होगा 1 और ऑक्सीजन का मास होगा 8। तो अगर हमारे पास कहीं से भी हम वाटर का सोर्स कहीं से भी लेंगे तो उनमें यही होगा है। सेम उन्होंने आगे अमोनिया के केस में दिया है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, ये 14:3 का बाय मास का ये दिया है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा सोर्स भले कोई भी हो इसका। तो ये करके दोनों ने केमिकल कॉम्बिनेशन के वो दिए हुए हैं, लॉस दिए हुए हैं कि ये कैसे बनते हैं। साइंटिस्ट को पता लग गया कि एलिमेंट से ही कंपाउंड्स बनते हैं। फिर आगे आगे हमारे पास जॉन डाल्टन, साइंटिस्ट आ गए हमारे जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या कहा था कि लेट्स रीड वेरी सो, हाँ जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन ने मीन्स मैटर्स एटम्स के लिए परमाणु की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था पहला है कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, सारे मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल्स से बने हैं जिनको एटम्स कहते हैं। विच पार्टिकल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये एटम्स जो हैं इनडिविजिबल हैं, एटम्स गिव ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन, एक एलिमेंट के एटम्स सारे सेम होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड एलिमेंट्स एटम्स कम्बाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है रेशियो में ही कंबाइन करते हैं ताकि कंपाउंड बने। और नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स एंड कॉन्स्टेंट गिवन कंपाउंड एंड काइंड्स ऑफ कॉन्स्टेंट ही होते हैं, ठीक है कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट के एटम के नंबर कॉन्स्टेंट ही होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे।